इस वीडियो में देखी गई किसी भी चीज को ना दोहराएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक द न्यू वीडियो। और आज है हमारे पास ये एलपीजी गैस सिलेंडर और इधर है ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी देने वाला। तो आज हम इस एलपीजी गैस सिलेंडर से इस जनरेटर को चलाएंगे। वैसे तो आपको पता ही होगा ये डीजल इंजन है, इसमें ये वन सिलेंडर इंजन है एक सिलेंडर। और आज हम इसको एलपीजी से चलाने वाले हैं, देखते हैं क्या ये चल पाता है क्या नहीं चल पाता है। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो अभी जो है मैं इस सिलेंडर को इसमें सेट करता हूँ जनरेटर में और फिर इसको चला के देखता हूँ। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और अभी जो है मैं इसको लगाता हूँ इसके एयर क्लीनर में। इसमें ये आप देख सकते हैं ये जनरेटर यहाँ से एयर लेता है, इसी के जरिए ये एलपीजी गैस जो है इस जनरेटर में जाएगी। और फिर उसके बाद जो है मैं इसमें से यहाँ से गैस को खोलूँगा और फिर देखेंगे क्या ये जनरेटर चलता है या क्या रिएक्शन होता है इस जनरेटर से एलपीजी गैस इसमें छोड़ने से। बने रहिए वीडियो में अंत तक। गैस आपको कुछ भी ऐसा ट्राई नहीं करना है, हम पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं और ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। अभी जो है मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ और फिर उसके बाद जो है इस एलपीजी गैस को मैं इसमें सेट करूँगा। आपने देखा मैं जैसे ही गैस को छोड़ता था एलपीजी गैस को, वैसे ही इसमें से पटाक पटाक जो है आवाज़ें आती थी और थोड़ा थोड़ा इसमें से धुआं भी जो है चेंज हो गया था। इसका सफ़ेद वाइट वाइट धुआं सो आ रहा था इस साइलेंसर में से इसके में थे। और आप देख सकते हैं एलपीजी से जो है जनरेटर बहुत ही नाम मात्र चला ही नहीं, जो समझ लो आप बिल्कुल चला ही नहीं ये जनरेटर। तो इसी के साथ आपको पता चल गया होगा कि एलपीजी गैस से जनरेटर को नहीं चला सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।